हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रूजी यूट्यूब चैनल। श्रीलंका टूर ऑफ न्यूजीलैंड चल रहा है, जिसमें से सेकंड वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाने वाला है। जहां पर पहला मैच हुआ था वहीं पर ही ये मैच है। बे ओवल पर अच्छे खासे रन बनते हुए नज़र आए। दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में आपको बताऊंगा लास्ट मैच में क्या हुआ था, क्या एवरेज टोटल रहता है इस ग्राउंड पर, कैसा मौसम रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, वो सारी बातें मैं बताऊँगा, ड्रीम इलेवन टीम एनबर दूंगा। तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बे ओवल पर ही ये मैच होने वाला है जहां पर पहला ये मैच हुआ था। सर, अब तक अगर हम देखें तो टोटल 6 मैचेस यहां पर हुए हैं, जिसमें से 3 बार बैट फर्स्ट जीती है और 3 बार बॉल फर्स्ट जीती है। ये बिल्कुल बराबर है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल अगर हम देखें तो 268 है, एवरेज सेकेंड इनिंग टोटल अगर हम देखें तो 244 है। पर जो लास्ट मैच में हुआ, जो पिच थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था पिच के अंदर। तो हमने देखा हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बना 371 रन। जिमी नीशम का बहुत अच्छी इंटरनेशनल में वापसी हुई। 5 छक्के उन्होंने तिसारा परेरा के लास्ट ओवर में लगाए, तो ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने करी। कहीं ना कहीं वो भी एक डिफरेंस था पूरे के पूरे मैच में। वो एक ओवर में 34 रन जो उन्होंने बनाए। अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में हुआ क्या, तो अगर हम देखें लोएस्ट टोटल जो यहाँ पर बनाया वो 210 है। लोएस्ट टोटल जो है वो 210 है। अच्छी खासी टक्कर श्रीलंका ने भी दी थी, पर मैं बताया तो मैच में हुआ क्या था, 371 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खो करके। मार्टिन गप्टिल ने ज़बरदस्त बैटिंग करी, इंजरी से वापस आ रहा था, 138 रन उन्होंने बनाए। श्रीलंका को हमेशा है सही, वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट। लास्ट टाइम जो श्रीलंका आई थी तब भी बहुत अच्छा खेले थे। मुनरो ने तो फास्टेस्ट आई थिंक 50 बनाई थी 14 बॉलों पर। तो ये सारी बातें रही। तो अब अगर हम देखें T20 की 50 थी शायद वो, तो यहाँ से मार्टिन गप्टिल ने 138 रन बनाए थे। यहाँ से अगर हम देखें केन विलियमसन हमेशा से बहुत रिलायबल रहते हैं, इनके ऊपर आप हमेशा से अपना दाव खेल सकते हो क्योंकि हमेशा से रन ज़्यादा करते आए हैं, कंसिस्टेंट है, बहुत आराम से खेलते हैं। 76 रन इन्होंने करे, सेकेंड हाइस्ट रन थे इनके। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो मलिंगा ने 2 विकेट लिए थे, तिसारा परेरा ने 2 विकेट थे ली थी, और नुवन प्रदीप जो कि इनके फास्ट बॉलर हैं उन्होंने भी 2 विकेट ली थी। फिर श्रीलंका बैटिंग करने आई, बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, गुनाथिलिका और डिकवला ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। गुनाथिलिका शायद 50 नहीं बना पाए थे, पर डिकवला ने अच्छी बैटिंग करे, 76 रन उन्होंने करे। कुशल परेरा ने 102 रन करे। ये हमारी पिक थी लास्ट मैच में, इसी की वजह से जो भी हम जीते हैं या कवर हुए हैं पैसे, तो वो अगर हम देखें तो कुशल परेरा की वजह से, क्योंकि ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया नहीं था, 20-22% लोगों ने लिया था और हमने लिया था, 100 रन करे थे। नीशम की तरफ अगर हम चले तो 3 विकेट इन्होंने ली, 50 के करीब रन्स भी इन्होंने बनाए थे नीशम ने, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही थी। ईश सोडी ने भी 2 विकेट ली, ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 विकेट ली, लॉकी फर्गसन ने भी 2 विकेट ली, मैट हेनरी को 1 विकेट मिली थी। तो बहुत सारी विकेटें यहाँ पर पूरी, क्योंकि श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी। वेदर कल भी पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, ज़्यादा बारिश वारिश तो शायद ना हो। अब चलते हैं सीधा प्लेइंग इलेवन की तरफ। तो प्लेइंग इलेवन क्या होगी, सिर्फ एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है जो कि मैट हेनरी का हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि मैट हेनरी ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी, पिच में कुछ खास नहीं था, इसलिए अगर हम ऐसे देखें तो डग ब्रेसवेल टीम के अंदर आ सकते हैं, टीम सऊदी भी आ सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा चांस मैट हेनरी के लग रहा है। कोई चेंज नहीं करेगी श्रीलंका, ऐसा हो सकता है। तो मनरो गप्टिल ओपन कर सकते हैं नंबर 3 पर, अगर हम देखें तो केन विलियमसन आएंगे, नंबर 4 पर रॉस टेलर हैं, फिर हेनरी निकल्स हैं, फिर आप देख सकते हो 6 पे टिम साइफर्ट, जिमी नीशम 7 पे आएंगे, फिर सोडी हैं, हेनरी खेलेंगे, फिर बोल्ट हैं, फिर फर्गसन है। तो ये रहने वाली है न्यूजीलैंड की टीम। श्रीलंका की टीम में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा स्क्वाड लेकर के वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को मौका जरूर दे सकते हैं। यहां से अगर हम देखें तो डिकवेला ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, गुनाथिलका ने, तो ये 3 तो प्लेयर नहीं हटने वाले हैं, कुशल मेंडिस भी नहीं हटेंगे, तो ये 4 प्लेयर यहीं रहने, चंदीमल भी होंगे यहां पर। अब यहां पर अगर हम देखें तो असीला गुणरत्ने की जगह थोड़ी सी खतरे में नजर आ रही है, दशुन शानाका को मौका मिल सकता है इस वाले मैच में, तो गुणरत्ने पर थोड़ा सा ध्यान देना मुश्किल, शायद खिला दे गुणरत्ने को, क्योंकि एक ही मैच हुआ है, ऐसा नहीं करेंगी टीम भी, एक मैच फ्लॉप हो तो बाहर करेंगे। तिसारा परेरा तो खेलेंगे, अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि मैंने लास्ट मैच में बोला था पिटाई इनकी अच्छी खासी होती है, पर कहीं ना कहीं से विकटे जरूर निकाल लेते हैं। लास्ट मैच भी इनकी एक ओवर में 34 रन नीशम ने बनाए। खैर आगे बढ़ते हैं, सीकू के प्रसन्ना की जगह दुष्यमंता चमीरा आ सकते हैं टीम के अंदर। ये हो सकता है कि सीकू के प्रसन्ना की जगह दुष्यमंता चमीरा टीम के अंदर आ सकते हैं। लसित मलिंगा तो कैप्टनशिप करेंगे, नुवन प्रदीप ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, ये खेलेंगे, और एक जो उनके स्पिनर हैं लक्षण संध्याकांत, तो उनको शायद खिलाना पड़ जाएगा। तो ये रहने वाली है इनकी प्लेइंग इलेवन। थोड़े बहुत चेंजेस जरूर ये कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके पास कुछ प्लेयर्स और बच रहे हैं, सदीरा समरा विक्रम बच रहे हैं, लहिरू कुमारा भी स्क्वाड के अंदर हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको ये मौका दे सकते हैं। अगर हम देखें तो धनंजय डिसिल्वा भी हैं जिनको ये मौका दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मेरी तरफ से अगर हम यहां पर देखें तो कॉलिन मनरो, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट और यहां से लसित मलिंगा, तो ये 4 जो प्लेयर हैं मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहां पे आप मार्टिन गप्टिल को भी जोड़ सकते हो 5वें नंबर पर, 6 नंबर पर आप डालना चाहते हो तिसारा परेरा को भी डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रह सकते हैं। अब ग्रैंड लीग के लिए जो ऑप्शन रहने वाले हैं,
वो अगर हम देखें तो यहाँ से चंदीमला बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ग्रैंड लीग के लिए। रॉस टेलर बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया नहीं है, 35% लोगों ने लिया। कुशल मेंडिस को भी ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया, लॉकी फर्ग्यूसन और गुणरत्न ने। तो ये जो 5 प्लेयर हैं मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए अच्छे आपके लिए साबित हो सकते हैं। इनको आप कैप्टन बना सकते हो या वाइस कैप्टन बना सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, मैं आपको लेके चलता हूँ। नेरोशन डिकविला को ही मैंने लिया है क्योंकि ओपन करने वाले टीम साइफर्ड वैसे तो ओपनर ही है, पर ये क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो टॉप ऑर्डर का इनका बड़ा सेटल है, बिल्कुल सेफ इनका रहता है, तो टीम साइफर्ड तो हमेशा से नीचे ही बैटिंग करने वाले तो साइफर्ड इसलिए नहीं लिया है क्योंकि नेरोशन डिकविला ही ओपन करेंगे। साइफर्ड को अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, डिकवेला आपको लगता है जल्दी आउट हो जाएंगे तो साइफर्ड की तरफ जा सकते हो, ज़्यादा बैटिंग साइफर्ड की नहीं आएगी। अब तीन जो बैट्समैन मैंने लिए हैं वो है केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल को लिया हुआ है, रॉस टेलर को इसमें छोड़ा हुआ है, क्रेडिट भी नहीं है इतने और शायद टीमें जगह नहीं इसलिए मैं बना पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉप तीन प्लेयर बहुत होंगे, नीशम नीचे हैं और ऊपर से अगर हम देखें तो ठीक ठाक टीम बनी हुई है जो मैंने बनाई है। मेरे हिसाब से रॉस टेलर को मैं अपनी टीम में नहीं जगह दे रहा हूं। वैसे प्लेयर हैं सही, पहले मैच में इन्होंने 40 पॉइंट आप देख सकते हो 50 बनाई थी, तो ये फिर भी रन्स कहीं अगर इनकी बैटिंग आएगी तो जरूर करेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा खेलता है, लास्ट 5 मैच में शायद 2-3 शतक भी है इनके, तो ये भी दिमाग में रखना अगर आप चाहो तो जा सकते हो उनकी तरफ। इस मैच में मैं गया हूँ कुशल मेंडिस की तरफ। आप सबने हम सबने लास्ट मैच में कुशल परेरा को लिया हुआ था अगर हम देखें तो, अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं कितनी निकल के आ रही है। कुशल परेरा को कितने परसेंट लोगों ने ले लिया, 87% लोगों ने अब कुशल परेरा को ले लिया, 35% लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, तो चेंज मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि सब ने ही कुशल परेरा बिल्कुल सेम टीम बनने वाली है, सारे के सारे प्लेयर सेम होंगे, तो इसलिए एक चेंज यहाँ पर रिस्क लेके मैं जा रहा हूँ कुशल मेंडिस की तरफ। हो सकता है तो यहाँ से आप जा सकते हो गुना थिल्लिका की तरफ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, टॉप ऑर्डर बैटिंग करने आएंगे, जल्दी जल्दी रन करते हैं, एक ऑप्शन ये हो सकता है। वैसे अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो कुशल परेरा के साथ जा सकते हो, ठीक ठाक प्लेयर है जो ये पिच है, ऐसे प्लेयर्स को कुशल परेरा को खासतौर से सूट बहुत करती है, थोड़ा सा बाउंस भी है पिच में तो कर सकते हैं, रन्स बना सकते हैं, दोबारा एक बड़ा स्कोरिंग की तरफ से आ सकता है, तो कुशल परेरा बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहेंगे, इनकी तरफ आप जा सकते हो। मैं थोड़ा सा चेंज जरूर करूंगा, कुशल मेंडिस की तरफ मैं जा रहा हूं, एक रिस्क ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा रिस्क भी हो सकता है। नीचे से अगर हम देखें तो हेनरी निकल्स भी खेलेंगे पर ज़्यादा लोग इनको लेंगे नहीं क्योंकि ये 5वें 6वें नंबर पे आएंगे, तो सीधा सीधा 10% लोगों ने लिया ग्रैंड लीग में, एक बार इनको आप ट्राई जरूर कर सकते हो हेनरी निकल्स को। अगर ऊपर से 4-5 विकेटें गिरती है तो नीचे से निकल्स जो है वो थोड़ा सा टीम को संभाल सकते हैं। अब यहाँ से तिसारा परेरा को लेना ठीक रहेगा क्योंकि बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग इनकी आती है तो 25-30 रन कर सकते हैं। नीशम को मैंने यहाँ से लिया हुआ है और यहाँ से मैंने लिया कॉलिन मनरो को, तो ये तीन प्लेयर लिए हैं, तीनों के तीनों एक तरह से बेस्ट ऑलराउंडर हैं, असिला गुणरत्ने और धनंजय डिसेल्वा। धनंजय डिसेल्वा के खेलने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, असिला गुणरत्ने को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, उनको ले सकते हो, पर स्मॉल लीग में मैं इनको रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ से अगर हम देखें तो लसित मलिंगा को मैंने लिया हुआ है, लसित मलिंगा है हमारी टीम में, यहाँ से मैंने लिया हुआ है ट्रेंट बोल्ट को और यहाँ से लॉकी फर्ग्यूसन को लिया और इस मैच में इस सोडी को मैंने लिया हुआ है। चाहो तो यहाँ से नुवन प्रदीप की तरफ जा सकते हो या किसी बैट्समैन की तरफ जा सकते हो श्रीलंका के। यहाँ से अगर हम देखें तो दिनेश चंदीमल भी एक ऑप्शन आकर बच रहा है, गुना थिलका ऑप्शन है, कुशल परेरा है, यहाँ पर जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से इस सोडी की तरफ। तो अब नेक्स्ट करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं, तो कैप्टन इस मैच में मैं बना रहा हूँ कॉलिन मनरो को, फिर से एक बार भरोसा उनके ऊपर जता रहा हूँ, और वाइस कैप्टन केन विलियमसन ही है। ऑप्शंस अब देख लो, बहुत सारे ऑप्शंस इस वाले मैच में रहने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन मैं बोलूँगा मार्टिन गप्टिल, पहले मैच में आपने देखा 134 रन उन्होंने बनाए, फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन एक तरह से रहेगा क्योंकि बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, 60-70 रन आराम से कर देते हैं, अपना काम करते ही हैं केन विलियमसन, तो ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। 11 क्रेडिट भी इसलिए दिए गए हैं इनको क्योंकि बेस्ट प्लेयर हैं शायद वर्ल्ड में, अगर हम देखें विराट कोहली केन विलियमसन कुछ ऐसे प्लेयर्स ये हैं। तो यहाँ से अगला जो ऑप्शन है वो मैं कॉलिन मनरो को आपको दूंगा। चौथा जो ऑप्शन है वो अगर हम यहाँ से देखें तो नीशम का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बॉलिंग में रिदम में बहुत अच्छे हैं। जो फोर्ड ट्रॉफी इनकी गई है जो कि न्यूजीलैंड का वनडे डोमेस्टिक कप होता है, बहुत अच्छा इनका गया, विकटे भी लिए और रन भी बनाए जो कि पहले मैच में भी इन्होंने दिखाया, बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रहा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये रहेगा आपके पास। और डिकविला की तरफ भी आप जा सकते हो, तो ये 5 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा अगर आप बॉलिंग की तरफ कहीं जाना चाहते हो तो। एक जा सकते हो ट्रेंट बोल्ट की तरफ, ग्रैंड लीग में लॉकी फर्ग्यूसन को ट्राई जरूर कर सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है हल्की फुल्की भी तो लाइक का बटन दबा दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो वो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिग बैश वाली वीडियो में, 2 मैच है कल बिग बैश के तो दोनों वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो वहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।